हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है दिन, आज कौन सा दिन है? आज है दिन मंगलवार और कल से है नवरात्र स्टार्ट। तो अभी अभी मैंने मंगाया है 2 बोतल पानी। इस बार मैंने 2 बोतल मंगा ली है पीने के पानी, क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है ना कि टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ 2 बोतल मंगा ली हैं। और इनको मैंने अभी अंदर नहीं रखा है, बाहर की बालकनी में ही रख दिया था। और वो किस लिए रखा था ये देख लीजिए, इनको लाई हूँ मैं अभी खिसकाते खिसकाते यहाँ पे नाली के पास में, जो बालकनी की नाली है पानी निकलने की। और यहाँ पे पहले मैं इनको अच्छे से सर्व से मांझ ले रही हूँ, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे रख के लाते हैं हमें नहीं पता है। और इस समय वैसे भी, क्योंकि हम घर पे लाख सफाई कर लें, बहुत करते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जो जो याद रहे वो तो कम से कम दे ही लें। इन बोतलों को मैंने अच्छे से नहला दिया है सर्फ लगा के, अब मैं इसको अंदर ले जा सकती हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो हमारे दिमाग में आती जाए उनको हम कर सकते हैं, जैसे कि जैसे दूध के जो पैकेट आते हैं उनको सर्फ लगा के ऊपर से धुल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाहर कितने लोग छूते हैं उसको पता नहीं। और जैसे सब्जियाँ ला रहे हैं, सब्जियाँ भी खुली हुई आती हैं सारी, तो सब्जियों को भी हम थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दें ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाहर की कर लें, क्योंकि घर पे कितने भी नल के टैप साफ़ कर लो, घर की सफाई कर लो, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं बाहर की, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है यार, इस समय बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैंपर धुल लिया है, जिसमें मैं पानी पलटती हूँ, और इसमें एक बॉटल पलट के रख दी है मैंने, और यहाँ पे भर गया है पानी, क्योंकि मेरी जो ये बालकनी है ये इसकी नाली की ढाल जो है वो उल्टी है, पूरे घर की ढाल उल्टी है, कहीं से भी पानी आसानी से नहीं निकलता है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी वाइपर से निकाल के पूरा सुखा के आई हूँ, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, 2 पैकेट लेके आई थी मैं, कई दिन से रखे हुए हैं, इनके बनाने थे मुझे गुलाब जामुन। और आप लोग कह भी रहे थे दी गुलाब जामुन बहुत दिन से बनाए नहीं है, रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और वैसे भी कल नवरात्र है तो व्रत रखना है, तो आज कुछ अच्छा सा बना के खा लेते हैं। कल केवल नवरात्र नहीं है, कल 3-3 ओकेशन है। कल क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है गैस में गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं गर्म पानी से ही ये डो लगाऊंगी, आटा लगाऊंगी। और दोनों पैकेट को मैंने छान लिया है। अब मैं एक पैकेट का नहीं बनाती हूँ, दोनों का ही बना ले रही हूँ, क्योंकि बना रहे हैं तो फिर अच्छे से बना लो, क्या थोड़ा थोड़ा सा बनाओ। और यहाँ पे मैंने आटे में डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच है उससे भर के घी, क्योंकि घी से गुलाब जामुन में खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत नरम बनते हैं, तो इसलिए घी ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैंने एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है आटा, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए नरम नरम आटा लगाते हैं ना, सेम वैसा ही लगा लिया है। और बस इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से रेस्ट कर ले। और एक चीज़ में आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दी आज तो ये दिन है, आप ये दिन बता रहे हो, तो ये वीडियो एक दिन पहले शूट होता है तभी तो अगले दिन आता है आपके पास में, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि आज ये दिन है, आज ये वार है। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं यहाँ चाशनी रख दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 3 कटोरी भर के चीनी, उसको साफ़ कर लिया है, 3 कटोरी थोड़ी थोड़ी सी खाली कटोरी ली है, तो 3 कटोरी थोड़ा थोड़ा सा खाली मैं पानी ले लूँगी, इतनी चीनी पर्याप्त है। और चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब महिलाओं को फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनके पास सेलफोन है या नहीं, मोबाइल फोन है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि महिलाएं कहीं ना कहीं सेलफोन पर, सेलफोन के एप्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई है। उनमें से 5 ऐप आज मैं आपको बता रही हूँ जिनके बिना मेरा काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। उनमें से है एक कैमरा, दूसरा गैलरी, तीसरा कॉन्टैक्ट्स, चौथा व्हाट्सएप, पांचवा है बुलबुल सॉन्ग। इनमें से 4 ऐप को तो आप भली भांति जानते होंगे, डेली यूज भी करते होंगे, लेकिन ये पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है सुपर वीडियो शॉपिंग ऐप, जो कि बुलबुल ऐप है, जिसमें कि आप ना केवल प्रोडक्ट को देख के खरीदना है बल्कि इसके साथ में ही आपको इसका वीडियो भी देखने को मिल जाएगा कि जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं वो वास्तव में कैसा है, उसको कैसे यूज करना है, वो आपके यूज का है भी या नहीं। तो इस तरीके से आप उसका एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो देख सकते हैं कि वो किस तरीके का है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाती हूँ, प्रोडक्ट पसंद होता है जो मैं खरीदना चाहती हूँ उसका, मैं उस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से उसका वीडियो चलने लगेगा।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में इसको कैसे यूज करना है, हमारे काम का है या नहीं। इस तरीके से ये बहुत ही यूजफुल ऐप है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मनपसंद की खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है, इसको बीच बीच में चलाते रहना है और जो डो है आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसको और अच्छे से मसल लिया है ताकि जो गुलाब जामुन हम बनाएं वो एकदम मतलब गोल बने, कहीं भी उसमें क्रैक ना आए, कहीं से भी टूटे फटे नहीं, पूरे एक जैसे हों। और उसको मैंने हाथ में भी थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे मसल ले रही हूँ और फिर मसल मसल के छोटी छोटी एक साइज़ की सारी लोई बना ली है और मेरे गुलाब जामुन थोड़े से छोटे लग रहे होंगे में, लेकिन इनको इसी साइज में बनाइए ना तो ठीक है, क्योंकि अभी ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा फूलेंगे जब पकेंगे, इसलिए ये साइज एकदम परफेक्ट साइज है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने चाहिए क्योंकि जल्दी ख़त्म ना हो जाए, ज़्यादा भी तो दिखने चाहिए ना। मेरी आदत है कोई भी चीज़ छोटी छोटी बनाओ ताकि बहुत सारी दिखे। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से पक गई है तो मैंने इसमें 4 से 5 इलायची कूट के डाल दी है, इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा चिपकने लगे चाशनी हाथ में, हाथ में जब लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा चिपक रही है, यानी कि हमारी चाशनी तैयार है। बस मैंने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पे नंदनी ने मेरे गुलाब जामुन बनवा लिए हैं संग में, तो जल्दी से फटाफट बन गए हैं और इनको अब मैं सेक लेती हूँ, थोड़े थोड़े करके डालने हैं, यानी कि कढ़ाई में ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा डाल दें क्योंकि अभी ये फूलेंगे ना तो और ज़्यादा जगह ले लेंगे। और सेकते टाइम गैस को रखना है स्लो यानी मीडियम से थोड़ा सा कम ताकि ये अच्छे से सिक जाए और जलने भी ना पाए क्योंकि गुलाब जामुन बहुत नाजुक होते हैं। तो ये अच्छे से जब ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इनको निकाल लिया है, बाकी के भी इसी तरीके से सेक लूँगी और इनको सिकने में थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होती है क्योंकि आराम आराम से सिकते हैं, इनको जल्दी जल्दी नहीं जलाना है। तो और थोड़ी देर हमारी चाशनी भी रेस्ट कर लेगी क्योंकि गर्म गर्म चाशनी में इनको नहीं डालना है वरना ये सब घुल जाएंगे। तो सारे गुलाब जामुन सिक गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं, अब मैं इनको इस तरीके से डाल दूँगी, डुबो दूँगी इस चाशनी में ही थोड़ा थोड़ा करके। अगर बड़े बर्तन में डालते ना थोड़ा सा तो और अच्छा रहता ताकि ये एक दूसरे के ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, लेकिन इसमें भी काम चल जाएगा, अभी बड़ा बर्तन मेरे पास खाली नहीं है। तो इस तरीके से सारे गुलाब जामुन चाशनी में अच्छे से डूब गए हैं और इनको मैंने ढक के रख दिया है, शाम को ही दूंगी सबको खाने के लिए ताकि ये थोड़ा ठंडे भी हो जाए और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें चाशनी, वैसे 1 घंटे बाद खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लंच में बनाई है आज मसूर की खड़ी वाली दाल जो मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ, मतलब हफ्ते भर में तो बना ही लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, तो फिर आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसलिए बस मैंने यहाँ नमक और हल्दी डाल के पानी डाल के रख दी है दाल पकने के लिए, जब तक दाल पक रही थी तब तक दाल फ्राई की सारी चीज़ें तैयार कर ली है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च सब कुछ तैयार करके रख लिया है। और जैसे मैं हर बार दाल को फ्राई करती हूँ वैसे ही इसको फ्राई कर लिया है, बस इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ मैं ये इस वाली दाल में या कढ़ी में, इनमें मैं ग्रेट करके डालती हूँ अदरक और लहसुन को क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी है, इस वाली दाल में थोड़ा सा सीटी ज़्यादा लगानी पड़ती है, 3 सीटी में पकी है मेरी ये दाल क्योंकि ये थोड़ा सा देर से पकती है, इसलिए बाद में थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने सारे मसाले डाल के ताकि थोड़ा सा दाल खाने लायक हो जाए, ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। तो खाना वाना खाने के बाद सब कुछ काम करने के बाद किचन निपटाने के बाद यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ ये रुई कपास की रुई है जो शुद्ध वाली रुई होती है ना, गुठलियों वाली जिसके अंदर गुठली होती है, और ये रुई ना मार्केट में आराम से इजीली मिल जाती है लेकिन इस समय सारी मार्केटें बंद हैं और ये मेरी पहले की खरीदी हुई रखी थी तो उसमें से मैं थोड़ी सी यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रखी हुई थी और बहुत सस्ती भी मिलती है, 5-10 रुपये में बहुत सारी मिल जाती है। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ दोनों लोग मिलके, और अयान को देख लो यहाँ कहीं भी बैठ जाओ तो इसको कहीं भी बैठ जाओ या लेट जाओ तो ऊपर चढ़ के मिरर देखना है, ऊपर चढ़ के स्विच ऑन करने हैं, ये काम चलता है इनका। तो सारी रुई निकालने के बाद मैं इसकी पानी लगा के बना ली है मैंने सारी बाती, क्योंकि कल से नौरात है तो बातियों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले से ही व्यवस्था करके रख लेती हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसलिए। और अब आ गए हैं ये, घंटी बज गई है गेट की, इनकी छुट्टियाँ नहीं है ऑफिस की, रोज़ जाना पड़ रहा है। यार पूरे सिटी में नाकाबंदी का माहौल है, ठीक है, मतलब किसी को भी परमिट नहीं कर रहे, दे नॉट परमिटिंग एनीवन, उनको ही परमिट कर रहे हैं जिनको कुछ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि डॉक्टर हैं या मेडिकल वाले जितने भी हैं ना, और या फिर जिनके पास आईडी कार्ड है, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है ना उनको लाठी मार कर दिया जा रहा है।
लिए थे मेरा तो आईडी कार्ड था भाई। मुझे भी मतलब 4 किलोमीटर में 3 बार रोका गया, तो मैंने तीनों जगह आईडी कार्ड दिखाया तब जाके परमिशन मिली अंदर जाने। छुट्टी नहीं मिलेगी तो मेरा 10 दोस्तों के अकॉर्डिंग 50% लोग एक हफ्ते काम करेंगे, 50% दूसरे हफ्ते काम करेंगे। और ये हैं भुने हुए चने और गुड़ की पारी जो मैंने मंगाई थी, और कल परसों मैंने ये डिब्बा जो धुल के रखा हुआ था इसी में भर के रख दे रही हूँ। और ये वाला डिब्बा मैं किचन में नहीं रखूँगी क्योंकि किचन में सब डिब्बों को छूते रखते रहते हैं, यहाँ वहाँ करते रहते हैं, तो यहाँ पे ही रख दिया है मैंने इसको। और ये छोटी छोटी सी तैयारियाँ होती हैं, कुछ काम होते हैं जो मैं हमेशा करके चलती हूँ पहले से, ताकि मुझे बाद में दिक्कत नहीं होती है, बाद में परेशानी नहीं होती है, पहले से ही मेरे दिमाग में चलती रहती है ये काम करके रख लूँ वो काम करके रख लूँ, तो बस वैसे ही कर लिया है मैंने। और यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह बनाए थे तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ संध्या करने के लिए, और मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है, वो मैं सुबह उठ के कल करूँगी क्योंकि कल नवरात्र है तो पूरा मंदिर साफ करना है मुझे। तो यहाँ हो गई है संध्या, और मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि कल नवरात्र के अलावा और क्या है। तो हम लोग कल से नवरात्र मनाएंगे, और जहाँ पे मैं यहाँ आंध्र प्रदेश में रहती हूँ वाइजैग में, यहाँ पे नवरात्र के दिन को ही उगादी बोलते हैं। उगादी नए वर्ष का जो प्रारंभ होता है, नया वर्ष के आगमन पे ये त्यौहार मनाते हैं उसके उपलक्ष में, जहाँ यहाँ पे पूजा फंक्शन सब कुछ करते हैं। तो नाम अलग अलग है लेकिन होता मतलब वही है, और महाराष्ट्र में है गुड़ी पड़वा बोलते हैं, तो वहाँ भी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो नाम अलग हैं लेकिन सब कुछ एक ही है। यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन तैयार हो गए, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, कितने स्मूथ हैं, खा के देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये अच्छे से बन चुके हैं। मैं अपनी बालकनी पे खड़ी हूँ और इसके बगल में ही रोड है, लेकिन रोड में ना तो एक लाइट जल रही है ना एक इंसान दिख रहा है, ऐसा सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। सच बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। तो चलिए अब थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम किया जाए, और इस ब्लॉग को, इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगी। यही हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और कल है नवरात्र तो घर से ही पूजा पाठ करनी है, जो भी कर पाए आप लोग तो घर से ही करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। तो चलिए बोलते हैं बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक में कंजूसी कर जाते हैं, कभी कभी एक लाइक का सवाल होता है, तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलते रहें। बाय बाय।